शहर के ब्राह्मणीपुरा में रहने वाला भूरू दलाल आईपीएल का सट्टा चलवा रहा था। टीआई रविंद्र यादव फिल्म स्टाइल पर अड्डे पर पहुंचे और दलाल को पकड़ कर थाने लाए। ऊंची रसूख रखने वाले भूरू को छुड़ाने के लिए थाने पर लोगों का जमावड़ा लग गया। टीआई के फोन पर भी सिफारिश आने लगी, लेकिन टीआई ने किसी की नहीं सुनी और अनिल और भूरू दलाल पर प्रकरण दर्ज कर लिया। पुलिस को मौके से 147,000 का हिसाब, LED, 6 मोबाइल हैंडसेट, एक कैलकुलेटर और 2 रजिस्टर मिले। प्रारंभिक विवेचना में यह तथ्य सामने आया है कि आरोपी 2016 से क्रिकेट के सट्टे की खाई वाली कर रहा है। उसके खिलाफ एक प्रकरण दर्ज है। पुलिस अब नामों की जानकारी भी जुटा रही है। गौरतलब है कि खाचरोद में राजनीतिक संरक्षण में सट्टे, जुएं और डिब्बा सट्टे का कारोबार खूब बड़े स्तर पर चल रहा है। इन पर सूचना तंत्र की मेहरबानी रहती है। हालांकि रविंद्र यादव के थाना प्रभारी बनने के बाद गलत काम करने वालों की शामत आ गई है। हमें एक सूचना मिली कि एक व्यक्ति जो कि खाचरोद के ब्राह्मणीपुरा में रहता है, वो अपने 3 मंजिला मकान में टॉप फ्लोर पर सट्टे का कारोबार करता है। इस पर से थाना प्रभारी रविंद्र यादव और उनकी टीम के द्वारा यहाँ पर हमने एक विशेष टीम गठित की और उसकी रेकी की। बाद में जब हमने कल रात में वहाँ पर रेड डाली तो उस व्यक्ति से करीब हमने 1,47,400 रुपये, इसके अलावा 6 मोबाइल फोन और 2 रजिस्टर, कुल 2 कैलकुलेटर इत्यादि सामग्री उससे जब्त की। और चूंकि उस व्यक्ति के द्वारा जो सिम यूज कर रहा था मोबाइल में वो कुछ फर्जी सिम थी, इसलिए हमने उस पर सट्टा अधिनियम की धारा 3 और 4 के अलावा 420 IPC के तहत भी मुकदमा दर्ज किया है और उसको हम कोर्ट पेश कर रहे हैं।